हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में गौकशी के शक में दो युवकों की पिटाई मामले में विपक्षी पार्टियों ने राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने सिकंदराबाद पहुंचा। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने बुलंदशहर जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती एक पीड़ित से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल दूसरे पीड़ित के सिकंदराबाद स्थित आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने योगी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार न सिर्फ बढ़ती लिचिंग की वारदात और बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम है, बल्कि सरकार खुद ऐसी घटनाओं में शामिल है। आलम ने दावा किया कि ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ितों के पास जाए ताकि न्याय और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोगों का यकीन बना रहे। कांग्रेस के डेलीगेशन में अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश महामंत्री समेत कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए दोनों परिवारों को भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। आलम ने परिवार को भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर प्रियंका गांधी भी उनके यहां पहुंचेंगी और पीड़ित की लड़ाई लड़ेंगी। देखिए, यहां पे कुछ दिनों पहले जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, उसमें पीड़ित लोगों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जी के आदेश पे हम लोगों का एक डेलीगेशन यहां पे आया है। हम लोगों ने उनसे मुलाकात भी की, उमर और राहिल तो अस्पताल में भी गए और उनके घर भी गए, उनसे मुलाकात की। और अब हमारी कोशिश ये होगी कि इसमें जितने भी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं जो नामजद लोग हैं, उनको गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं और SSP से भी शाम को हम इस मसले पर मिलेंगे। हम मानते हैं कि इस तरह की अराजकता किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, लेकिन चूँकि ये लगातार इस तरह की घटनाएँ होती रही हैं, जो साबित करता है कि ऐसी घटनाओं को जिसमें पेशेवर अपराधी शामिल हैं उनको सरकार के तरफ से ऊपर से संरक्षण मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा दुखद है। दंगे फसाद इस तरह की घटनाएँ पहले भी होती थी, लेकिन उस पर त्वरित न्याय भी होता था, अदालतें सक्रिय हो जाती थी, ब्यूरोक्रेसी काम करती थी, सरकार उसमें अपने हिसाब से न्याय देने की कोशिश करती थी। लेकिन अभी इस तरह की घटनाओं में विपक्ष के लोगों को इसलिए शामिल होना पड़ रहा है क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, जो मुख्यमंत्री जी खुद है, उनके ऊपर खुद दर्जनों संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और जब से वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पूरे तंत्र को एक अपराधी गुंडा गिरोह की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसीलिए ऐसी घटनाओं में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धरपकड़ जिस तरह से जिस तेज़ी के साथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही, ये दुखद है। इस सवाल को उठाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, इस देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अगर गरीब आदमी किसान भी आत्महत्या करता है तो सरकार के तरफ से पुलिस के तरफ से कह दिया जाता है कि प्रेम प्रसंग में आत्महत्या है। इस तरह के एक ट्रेंड चल गया है बोलने का, है ना। विपक्ष जो भी सवाल उठाता है या आम लोग जो भी सवाल उठाते हैं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। आप पूरा रिकॉर्ड देख लेंगे, इनके मंत्री तक बोलते रहे हैं कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, किसानी को ऐसे प्रेम प्रसंग में आत्महत्या कर रहा है ना। तो इस तरह का दावा गलत है इस मामले में भी। दूसरी बात कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया तो कोई एहसान नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये कि जो एब्सकॉन्डिंग लोग हैं उनको पकड़े, ये कितने शर्म की बात होनी चाहिए बुलंदशहर प्रशासन के लिए कि जो एक एब्सकॉन्डिंग आदमी है उस पर वीडियो जारी कर रहा है, वायरल है, उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया। और गति दिखानी होगी क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये मनोबल कहाँ से बढ़ा है कि जिस आदमी को जो फरार है उसको छिपा रहना चाहिए, वो वीडियो जारी कर रहा फेसबुक पे, ये मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है? ये तो प्रशासन के ऊपर सवाल तो है ही, हम सवाल नहीं उठा रहे, ये तो वो अपराधी उठा दे रहा है कि आप हमको चैलेंज कर रहा है कि हमको गिरफ्तार करके दिखा दो। वो उसको मालूम है कि हम जहां से जिस विचारधारा से हम ये कर रहे हैं हमको पूरा संरक्षण मिलेगा, इसलिए वो कर रहा है। तो मनोबल तो अपराधियों का बढ़ा हुआ है ना, जनता का तो मनोबल टूटा हुआ है। आलम ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी हर हाल में पीड़ितों के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि 2 मार्च को बुलंदशहर के सिकंदराबाद खुर्जा मार्ग पर स्थित हमीदपुर गांव के पास कुछ लोगों ने कार सवार 2 युवकों पर गौकशी का आरोप लगाकर दोनों युवकों की जमकर पिटाई की थी। घटना के 2 दिन बाद घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। मामले में पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए
शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।